हेलो पीपल, दिस इज विकास एंड वेलकम टू सिंपलीफाई ब्लॉगिंग। आज का जो वीडियो है, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रैंक अ न्यू ब्लॉग। अगर आपने अपना नया ब्लॉग बनाया है तो कितना टाइम लगता है उसको रैंक कराने में। तो इसका आंसर मैं ऑनेस्टली देने वाला हूँ अपने बिहाफ पे, मतलब आई मीन टू से, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस जो मैंने इसके अपने ब्लॉगिंग के करियर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि न्यू ब्लॉग कितना टाइम लेता है। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज किया है। आपका फ्री प्लेटफॉर्म है या अगर आपने ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग बनाया है तो आपका धीरे धीरे रैंक करेगा। अगर आपने वर्डप्रेस पे बनाया है तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक करेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया है। और दूसरी चीज, आपने अपने ब्लॉग के अंदर परमालिंक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से रखे हैं या नहीं रखे हैं, उनका मेटा डिस्क्रिप्शन आपने तरीके से लिखा है नहीं लिखा है, आपका आर्टिकल यूनिक है नहीं है जो आपने लिखा गया है, और उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है आपको ब्लॉग को रैंक कराने में। अगर आपने ये सब चीजों का ध्यान रखा है तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, पर मैं चीज बता देता हूं, अगर आपने अपना नया ब्लॉग आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम ये समझिए कि आपका जो नया ब्लॉग है वो कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ कम से कम रैंक होने में अपनी पोस्ट को लेगा। कई बार क्या होता है, कुछ ब्लॉग्स 1 साल भी ले लेते हैं रैंक करने के अंदर। तो यार बी पेशेंट, क्योंकि जो ब्लॉगिंग जो है ये आई मीन टू से पेशेंस इसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ब्लॉगिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो कभी भी आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो हमेशा पेशेंस रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि यार मेरा ब्लॉग है रैंक करेगा, करेगा 100% करेगा। हर किसी का ब्लॉग रैंक करता है, तो इट्स टेक टाइम। और कुछ चीजें होती है, डिपेंड करता है कि बैकलिंक्स भी आप अपने ब्लॉग के साथ बनाते रहिए। बैकलिंक्स मतलब ये नहीं जिनके 1 या 2 बैकलिंक्स आप रोज बना सकते हैं अपने पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए। और मैं तो यार ये कहूंगा कि यार 1 या 2 ब्लॉग से ही अपनी अपनी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि आप 5-6 ब्लॉग बना के बैठ गए उसमें फंस गए, ना उसको टाइम दे पा रहे हैं ना उस ब्लॉग को टाइम दे रहे हैं, बड़े कंफ्यूज हैं कि किसके बारे में कंटेंट लिखे। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी कई बार बहुत ज्यादा ब्लॉग बनाने की वजह से ना आप ज्यादा टाइम अपने मेन ब्लॉग को नहीं दे पाते हैं या दूसरे ब्लॉग को देना चाहते हैं, तो इस तरीके से क्या है सारे ब्लॉग एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं और रैंक अच्छी तरह से रैंक नहीं कर पाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक यूनिक ब्लॉग बना के उसी पे अपना वर्क कीजिए, सारा दिमाग आप उसी पे लगाइए और उसको जल्दी से रैंक कराने की कोशिश कीजिए। इसके बैकलिंक्स अच्छे अच्छे बनाइए, जो अच्छे सोर्सेस हैं उनके बैकलिंक बनाइए और अच्छे आर्टिकल्स लिखिए उसके बारे में, तो बहुत जल्दी रैंक करेगा। तो फिर भी बताओ, अगर आप कोई भी आप नया ब्लॉग शुरू करें चाहे कितने अच्छे आर्टिकल हो, कितने यूनिक आर्टिकल हो, एटलीस्ट 6 मंथ कोई ना हर कोई ब्लॉग लेता ही लेता है, और ज्यादा से ज्यादा समय जो होता है 1 साल होता है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि, और ज्यादा लोग गलती ये भी करते हैं कि यार बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज देते हैं तो उसमें उनको अप्रूवल नहीं मिल पाता। एटलीस्ट वेट कीजिए कब तक ब्लॉग पे ट्रैफिक आना स्टार्ट नहीं हो, जब तक एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए नहीं भेजे, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि यार अगर ट्रैफिक तो आ नहीं रहा है तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी। ट्रैफिक होगा जब भी तो इनकम जनरेट होगी, तो डजंट मैटर कि आप अप्रूवल लेते हैं नहीं लेते। सो आज का जो वीडियो था बस मैं इतना ही कहना चाहता था। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज विकास, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।